हेलो हेलो। क्या हुआ? चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 87 नंबर सेट। और क्वेश्चन हमारे पास है, पहला 17 है और बाबू 24 है। बनाए हैं क्वेश्चन को, क्या हुआ इसमें? चार का स्क्वायर प्लस वन तीन भाई जी 17 × 9 153 और 24 × 9 216। ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अच्छा ठीक है, 17 24 का बता देते हैं। 17 7 24 और 53 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा? 160। ऑप्शन में नहीं है। हाँ बोलिए। नहीं, वो नहीं, आपका बिल्कुल सही है। हमने ये भी बताया था, पहला रिलेशन इसका इसके साथ, नहीं मिले तो इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ, नहीं मिले तब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, चलिए अगला। ए और बी प्लस वन, एफ और जी प्लस वन, के और एल प्लस वन, पी और क्यू प्लस वन, सभी में इधर प्लस वन किया गया है। तो सी में प्लस वन करिएगा क्या होगा? डी, एच में आई, एम में एल, एम में एन और आर में एस, डी आई एन एस। ऑप्शन बाबू एक नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 23 है और बाबू 13 है। 23 है और 13 है, क्या हुआ इसमें? 23 में 23 में 10 घटा दीजिए 13 हो जाएगा, उसी प्रकार से 54 में 10 लेस कर दीजिए 44 हो जाएगा। ऑप्शन बाबू दो तीन नंबर सी ऑप्शन। समाचार पत्र पाठक, यानी कि समाचार पत्र को पढ़ने वाले को पाठक कहा जाता है। उसी प्रकार से रोटी, तो रोटी कौन खरीदेगा? खरीदार, बेकर, गेहूं और उपभोक्ता। आंसर क्या होगा? उपभोग करने वाला यानी उपभोक्ता। ऑप्शन बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन। हाँ, खरीदार किस सेंस में बताइएगा ना? सेंस यहां पर पाठक का मतलब क्या होता? चलिए, खरीदार आप नहीं बताए, आप यही बता दिए समाचार पत्र और पाठक का क्या अर्थ है। पढ़ने वाले को पाठक बोलते हैं, तो रोटी कौन खरीदेगा? खाने वाला ना। जब समाचार पत्र पढ़ने वाला, तो बाबू रोटी कौन तब? खाने वाला। तो उपभोक्ता क्या हुआ? उपभोक्ता कस्टमर हो गया। उपभोक्ता कब से कस्टमर हो गया? उपभोक्ता मतलब होता है उपभोग करने वाला, जो उसका प्रयोग करता है। देखिए, आपने फल खरीदा खाने के लिए, ठीक है, और जूस वाले ने फल खरीदा क्या चीज के लिए? जूस बना करके बेचने के लिए। तो दोनों तो खरीदार ही ना हुआ, दोनों तो फल मंडी ही ना गया फल खरीदने के लिए, लेकिन एक ने उसको उस फल को पैसा कमाने के लिए किया। मान लीजिए कि 2 केजी नारंगी लाए खरीद करके, और आप उसको बैठ करके खा गए, और वो भी 2 केजी नारंगी लाया 100 रुपया में खरीद करके, ठीक है,
अब उसको पर गिलास के हिसाब से 10 रुपया, गिलास के हिसाब से 20 गिलास बना करके बेच दिया, तो 200 रुपया कमाया ना। लेकिन दोनों तो खरीदार ही रहा, हुआ खरीदार हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर बस में आया। तो यहां पर जब पेपर को पढ़ता है, वेंडर पेपर को बेचता है, ठीक, और प्रेस में पेपर छपता है, तो क्या लगता है कि डायरेक्ट प्रेस का मालिक पेपर उठाता है और जाके घरे घरे पहुंचा देता है? उस बीच में जितने भी हैं वो सभी तो खरीदार ही ना है। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, एस टी आई यू आर एफ, एस टी आई यू आर एफ, यू आर एफ है यहाँ एफ लिखा हुआ है, यहीं पर एफ लिखा हुआ है, 3 नंबर, ठीक है, हो गया, मिटा दें। 6 में -1, 4 में -1, 1 में -1, 5 में -1, सभी में बाबू -1 किया गया है। तो 7 में -1 तो 6, 8 में -1 तो 7, 9 में -1 तो 8, 6 में -1 तो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। चंद्रमा है, उपग्रह है, पृथ्वी है और ग्राहिका है, क्या होगा? चंद्रमा, उपग्रह और पृथ्वी सारे के सारे चक्कर लगाते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड, हाँ उल्कापिंड, तो ये जो है गिरता है, ये चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू एस्टेरॉइड। रुकिए रुकिए रुकिए, पृथ्वी आंसर दे रहा है जी। चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी और ग्रहिका सब उपग्रह है, इसका आंसर दे रहा बाबू पृथ्वी ना। जीवन संभव है का क्या मतलब है? हम दोहरे जान रहे हैं कि चंद्रमा पर जीवन है कि नहीं है। पर अभी पानी का इंतजार हो रहा है, तो कहीं मिल गया तो फिर जीवन होवे करेगा, कि पानी होगा तो सिंपल सी बात है कीड़ा मकोड़ा कुछ ना कुछ तो होगा, और जब जैसा कि अभी तक जानकारी है वहां पानी पहले था, ठीक है, अभी तक पूरा क्लियर नहीं है, हो गया। तो चंद्रमा, उपग्रह और ग्रहिका, ये तीनों का तीनों जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये कह सकते हैं। आगे बढ़े, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग या तीनों का तीनों हिल स्टेशन है, आगरा जो है बाबू वो ताजमहल क्या होता है, शहर है कि हिल स्टेशन थोड़ी है। अच्छा ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल की राजधानी, तो बाकी तीनों में समानता नहीं ना है, बात समझ आया? बाकी तीनों में समानता नहीं है, लेकिन ये तीनों हिल स्टेशन है, ये हिल स्टेशन नहीं है, क्या? हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, चलिए, बछेरा है, मुर्गी है, मेमना है, खरगोश सावक है, बाबू तीनों हो गया बच्चा, बछेरा गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, मेमना बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा, हिरन का बच्चा, खरगोश सावक खरगोश का बच्चा,
मुर्गी हलाल के खाने वाला, मुर्गी के बच्चा को चूजा कहते हैं, ठीक है, छोटी मुर्गी का हल कहेंगे, छोटी मुर्गी। और कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। 240 है, 304 है, 272 है, 210 है, सब चार से विभाजित है, आठ से, चार से हुआ तो आठ से होवे नहीं करेगा जी। हाँ जी, सब चार से विभाजित है, 210 जो है चार से विभाजित नहीं है, इसीलिए आंसर चार नंबर। फिर से बोलिए, एक एक करके बोलिए। अच्छा पहले, अच्छा उस दिन जो थोड़ा बोले थे ऑफिस चलो क्वेश्चन पूछ लेना, भाग का है गया था अंदर, तो हम तो अब तुम्हारा साथ ही साथ ना नीचे उतर रहा था, हम ताला मारने लगे थे खाली, तब इतने देर में तू भाग गया, हम वहां बैठल थे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। आज क्वेश्चन आगे पूछ लेना, क्या है, मैं तो बोला सर 2 मिनट लेटे हो जाता तो क्या हो जाता है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे बोलिए। क्या बोले, 15 का स्क्वायर माइनस 15, 225 माइनस 15, 210, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17, 89 में से 17 गया तो 7 2 9 7 1, ठीक है। हाँ, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16, हाँ जी ठीक है, 304 इसी का तो होगा। ठीक है, 2 नंबर सही है, आपका गलत नहीं है, हम ये नहीं बोले कि आपका गलत है, प्रोसेस बिल्कुल सही है, आंसर 210 होगा। आज कह रहा है, पूछो ना लॉजिक, लॉजिक पूछिए, बता रहे हैं ये क्या है, 210 डायरेक्ट आंसर आ रहा ना, ये चार से विभाजित, चार से विभाजित, चार से विभाजित, ये चार से विभाजित नहीं, ठीक है। बोलिए बोलिए, क्या, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्यों नहीं होगा, हम कहां बोल रहे कि आपका गलत है, हम ये थोड़ी बोले हैं, अगर आप ऐसा सुनते मेरे मुंह से, नहीं जी आपका आंसर मान्य नहीं होगा, तब ना कोई सवाल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने जो प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस पर हम उंगली थोड़ी उठा रहे हैं, ठीक है, आपका सोच गलत नहीं है, आपका बिल्कुल सही है, बोर्ड आंसर ये दे रहा है ये भी तो सही है, ये सभी चार से विभाजित है, ये चार से विभाजित नहीं है, तो हम यही सवाल अगर हम आपसे पूछे तो ई कहा ही नहीं होगा, तब कोई जवाब है। इसीलिए देखिए, इसीलिए अब के अब नया क्वेश्चन में क्या किया जाता है, यही सब विवाद नहीं हो इसके लिए कह दिया जाता, लिख दिया जाता नीचे में कि कोई भी क्रिया जो है आपको इस नंबर पर करना है, 304 पर करना है, 3 पर 0 पर 4 पर अलग अलग गणित से ये संक्रियाएं नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पहले पहले जो है क्वेश्चन SSC का हो चाहे रेलवे का हो, पहले जो है ये नहीं ना मांगा जाता था 50 रुपया की जांच करके, आपको जिसको जिसको क्लेम करना है क्लेम करिए, अब तो क्लेम आता है, तो क्लेम आता है तो बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन पर इस पर भी क्लेम जा सकता है, इसीलिए बोर्ड ने उपाय लगाया है इस बात का, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आप दोनों को दोनों तरीका से प्रूफ करके लिखेंगे, बोर्ड कुछ नहीं बोलेगा, हाँ देखिए देखिए वो बात नहीं है, बात है कि जब क्वेश्चन में विवाद होता है, ठीक है, तो आप अगर SSC का या रेलवे का क्वेश्चन जब देखेंगे, हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि 240 पर गणितीय संक्रिया करना, 240 पर नहीं, हर हर प्रश्न में नहीं लिखा रहता है, वैसे वैसे ही प्रश्न में लिखा रहता है कि जिस पर 2 गो 3 गो नियम
लगाया जा सके। अब मान लीजिए जैसे ही इस पर दो गो तीन गो नियम लग गया, दो गो नियम लग गया ना, तो क्या किया जाएगा, मान लीजिए इसी को कह दिया जाएगा 364 बना देगा सेट करने से पहले, उसके बावजूद भी डाउट रह जाएगा मन में तो लिख देगा गणितीय संक्रियाएं, बात समझ आया, ये लिख देगा नीचे में ताकि किसी भी तरीके से तो आंसर यही आए। चलिए आइए आगे, यहां पर जो है गणितीय संख्याएं दोनों तरीके से सही था, ठीक है, एम टी एफ हो बाबू, इसका क्या आवाज है, 13-7-19-1-20 बा हाँ? -7 इसमें -7 नहीं हो रहा, ठीक है, यहां पर -7 या -14, ऑप्शन एक नंबर। विपत्ति जनक स्थिति, शोक कल्पना और घृणा, विपत्ति जनक स्थिति मतलब विपत्ति परा हुआ है, ठीक है, दुखद मतलब बहुत ही क्रिटिकल ऐसा कह सकते हैं आप, जैसे कि कल परसों एक तो न्यूज़पेपर में पढ़े थे, क्या हुआ, लड़की और लड़का का शादी हो रहा था, थोड़ा बड़ा इंटरेस्ट जग रहा है जी, हाँ, तो लड़की लड़का का शादी होता है, ऐसे भी लड़की लड़का का शादी होता है, वहां पर जो है वरमाला का समय चल रहा था, वरमाला लड़की जो है मतलब लड़की जो है माला डाली, अब लड़का जो है माला डाल रहा था तो लड़की यहाँ खड़ी है, मान लीजिए माला चल जा रहा बगल में, कभी इस साइड तो कभी इस साइड, तो पता चला कि लड़का जो है वो क्या बोलते हैं क्या मदिरा, नहीं बिहार में बैन है ना, नाम नहीं लिया जा सकता, तो मदिरा जो है वो सेवन करके आया हुआ था, और बाबू लड़की जो है मतलब गुस्सा उठ गया कि भाई जब ये शादी के दिन ऐसे तो शादी के बाद कैसे कैसे है कि नहीं है, सोचना चाहिए, ये सोचने वाली बात है, शादी के दिन जब ये मदिरा पान करके आया है तो शादी के बाद क्या करके, यहाँ तो ऑथेंटिक ना हो जाता है, अगर लड़का जो है अगर लड़की बाद में मान लीजिए लड़का को कहे कि तुम शराब पीना बंद करो तो लड़का तो बाद में शेर हो जाता, तो तुमको भी पता था बरमाला के समय में कि हम शराब पिए हुए थे, तुमको दिक्कत था तो उसी समय ना मना कर देती, मना कर दी, लड़की शादी नहीं की, कितनों समझाया गया लेकिन उस शादी लड़की तैयार नहीं, अब बिल्कुल सही काम की है, ठीक है, बहुत समझदार थे, ठीक है, बाद में एक बार तो अभी पीले है, बाद में जीवन भर का टेंशन है उसको, तब ठीक है, आप लोग को भी सिखा दिए हैं लड़का लड़की सबको, अपना अपना हिसाब से सीख ले लीजिएगा, वही तो कह रहे हैं। आइए, विपत्ति जनक स्थिति, शोक कल्पना और घृणा, तो लड़का के तो नशा में है, उसको तो कुछ पते नहीं चल रहा, उसको तो पता चलेगा कल होकर के, लड़का के पिताजी भाई बहन बराती अब पिटाने वाला है, वो पिटाइए के आता है वो सब बराती, ये तो आप भी जानते होंगे, अब सोच लीजिए कि उसके लिए विपत्ति जनक स्थिति उत्पन्न है कि नहीं है, है ना, उसके बाद शोक घृणा और कल्पना, तो चलिए बाबू विपत्ति जनक स्थिति शोक और ये घृणा, ठीक है, ये तीनों का तीनों जो है निगेटिव सेंस को दर्शाता है, और कल्पना जो है वो किसी भी रूप का हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर कल्पना होना चाहिए, ऑप्शन बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन, डाउट वाले बोल सकते हैं, हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं,
ये तीनों समानार्थी है। ये बाबू कल्पना किसी भी प्रकार का हो सकता, अच्छा भी बुरा भी। हाँ अच्छा ठीक, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? शोक और विपत्तिजनक स्थिति क्या एक समान नहीं होगा? किसी का मान लीजिए कोई अथी हो गया, डेड बॉडी रखा हुआ उसके घर परिवार में, शोक और विपत्तिजनक स्थिति वो भी तो हुआ। हम यहाँ पर कॉमेडी वाला बात कर दिए, उसका शादी वाला वो अलग बात था, लेकिन बाबू थोड़ा ज्योति मौर्या के बारे में सोचो, उसका पति के लिए तो बाबू विपत्तिजनक स्थिति था कि नहीं था? नहीं रूबी रह भी याद रहती है, हाँ? लगा बहुत लगाव है, वही तो हम पूछते रहते हैं, कोई बताइए नहीं करता। आइए एम और एन प्लस वन, ओ और पी प्लस वन, टी और यू प्लस वन, एच आई प्लस वन, ई एफ प्लस वन, आर एस प्लस वन, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। इसके बाद अब बताइए जेड में प्लस वन करिए तो बाबू ए, ई में एफ, एन में ओ, टी में बाबू ए एफ ओ, हाँ दी जेड ई एन आई टी एच, जेनी था ऐसे होता है, ठीक है। आई में प्लस वन तो बाबू जे, ठीक है, टी में यू, एच में आई, यहां से कनेक्शन। ऑप्शन बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन। कहानी तो हमारे पास बहुत सारा है, एक तो लड़की है, ठीक है, उसका क्या हुआ बाबू? नहीं ये दूसरा कहानी पेपर में नहीं छपा है, तो शादी हुआ, ठीक, माँ बाप जो है लड़का को अच्छा से जांच परख नहीं किया कि लड़का का क्या है रंग ढंग। तो लड़का जो है बाबू वो दुकानदार था, वो दुकानदारी करता था, लेकिन वो चाहता था कि उसकी पत्नी जो है वो पढ़े, इसीलिए वो पत्नी को पटना में रह करके पढ़ाता था और करवा रहा था बिहार पुलिस दरोगा का तैयारी, ठीक है। उसके बाद जो है उसका पहला बार जो इधरे जो दरोगा का तीन चार साल से एग्जाम हो रहा है लगातार, सबसे पहला बार जो हुआ था इधर, उसमें उसका पीटी हो गया था लेकिन मेंस नहीं हुआ, और उसको जो है कोई सिखा पढ़ा दिया कि देखो तुमको भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा है, अपना पति उति के चक्कर में क्या रहती है, अच्छा से पटना में रह करके पढ़ो लिखो, अच्छा से नौकरी हो जाएगा, दरोगा तुम बन जाएगी। इधर इधर 2021 में कि 22 में जो अभी ज्वाइनिंग हुआ है कुछ दिन पहले, 22 उसमें उसका हो गया ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग होने के बाद 2.5 महीना के बाद जो है वो लड़का पर कर दी केस दहेज प्रताड़ना वाला। अब इससे समझ लो अपना अपना, नहीं हम ये नहीं कह रहे कि पत्नी को मत पढ़ाइए, डेली पढ़ाइए, बढ़िया से पढ़ाइए, नहीं नहीं हम ये भी नहीं करें कि तिलक को मत लीजिए, कैश में लीजिए, डिजिटली लीजिएगा तब ना दिक्कत होगा, कैश में लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सिखा दे रहे हैं, डी ई एम ओ सी आर ए सी वाई, ठीक है, बात समझ में आया। ये कहानी जो है लड़की का पति खुद हमको सुनाया है, बहुत दुख हो रहा था हमको भी, बहुत बहुत कष्ट हो रहा था। अच्छा हम क्या करिएगा बाबू, आइए प्रेसिडेंट में हम लोग देखते क्या होता। तीन नंबर आता है, थ्री नंबर आंसर, चलिए आगे बढ़िए। ये सब लड़की सब सोच रही होगी सर खाली लड़की विरोधी बात काहे कर रहे हैं, नहीं बाबू लड़की विरोधी बात नहीं कर रहे हैं,
दुनिया ऐसे ही होता है। ठीक है आपकी बार लड़का विरोधी बात। जब भी हम पेपर में न्यूज पढ़े हैं कि लड़का और लड़की दोनों जो है गांधी सेतु पुल के पिलर नंबर इतना से छलांग लगाया, लड़का हर बार मर जाता है, लड़की पीएमसीएच में भर्ती। यहाँ लड़की जिंदा है ना। आइए ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत इसमें? एन ओ पी क्यू आर ई आर, ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन। ठीक है सात है, पच्चीस है, एक सौ सॉरी इकसठ है, एक सौ इक्कीस है और वाट है। ये तो देखना पड़ जाएगा। सोलह नंबर का दो दो का क्यूब माइनस एक, थ्री का क्यूब माइनस दो, फोर का क्यूब माइनस थ्री, फाइव का क्यूब माइनस फोर, फाइव के बाद सिक्स का क्यूब माइनस फाइव, 216 माइनस फाइव बराबर 211, ऑप्शन बी दो नंबर। प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, आई में प्लस दो कर दीजिए क्या हो जाएगा के, के में प्लस दो कर दे क्या हो जाएगा एम, के और एम है ना। अब बाबू के का 11 एम का 13, ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन। ठीक है प्लस चार प्लस यहां पर नौ, यानी कि दो का स्क्वायर और ये बाबू तीन का स्क्वायर और यहां पर बाबू तीन के बाद चार का स्क्वायर 16 और यहां पर बाबू पांच का स्क्वायर कितना 25, 27 और 25 52, 252, ऑप्शन दो नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है 9 पर पावर 1, 9 पर पावर 2, 9 पर पावर 3, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2, 8 पर पावर 3, 7 पर पावर 1, 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 3, 343, ऑप्शन बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन। ठीक है शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? चलिए तीसरे एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन ए ए ई और ई, ई दोनों तो पहला दूसरा हो जाएगा, वाई और टी ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर, ये हो जाएगा चौथे नंबर पर। आंसर हो जाएगा बाबू सी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन। अगला सवाल, अब यहां जो देखिए लिखा क्या है, बी ए एन 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 है ना, सब जगह पे बी एन, क्यू जी जी डी और टी क्या क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा बाबू डी यानी कि 3, सी ऑप्शन 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 के बाद 5 इसी में है, ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन। ठीक है मिटा दें। बोर्डमास का सवाल है, आंसर कौन सा 28, दो नंबर ऑप्शन। इसके बाद नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा है जिसको नहीं बना सकते हैं? तो डी को, ठीक है चांस नहीं बना सकते, सी एच ए एन सी ई, सी एक ही ठो है यहां पर बाबू, दो दो ठो सी है। क्वेश्चन नंबर है 2424, ट्वेंटी फोर में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है।
निम्नलिखित में से पी क्यू आर का क्रम कितने बार ऐसे है कि क्यू अक्षर पी और आर के बीच में, क्यू अक्षर पी और आर के बीच में है, ये सिचुएशन हो सकता है। क्यू अक्षर पी और आर के बीच में है, ये सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि क्यू अक्षर पी और आर के बीच में एक, क्यू अक्षर पी और आर के बीच में दूसरा, क्यू अक्षर पी और आर के बीच में तीसरा, क्यू अक्षर पी और आर के बीच में चौथा, कुल मिला के कितना, चार। ऑप्शन बाबू 3C ऑप्शन हो गया। गत कल से पहले दिन, देखिए आज कल, गत कल से पहला दिन, से पहला दिन शनिवार से तीन दिन बाद है, शनिवार से तीन दिन बाद रविवार सोमवार मंगलवार, ये कौन हो गया मंगलवार, तो ये बाबू बुधवार और ये गुरुवार, आंसर हो जाएगा बाबू गुरुवार बृहस्पतिवार, ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। क्या बुधवार आया है, रुके, गत कल से पहले दिन, गत कल से ठहर जाइए, गत कल, अरे आज नहीं जी, गड़बड़ा गया सही में, गत कल ये हुआ, गत कल से पहला दिन, से पहला दिन, गत कल से पहला दिन शनिवार से तीन दिन बाद है, तो शनिवार के तीन, शनिवार से तीन दिन बाद रविवार सोमवार मंगलवार, ये हो गया कौन सा दिन, मंगलवार, तो ये बाबू बुधवार, ये बाबू गुरुवार, आज कौन सा दिन है, अरे यहां दो दो को लिखल है जी, देखिए आज गत कल, तो कल से अगले दिन, अगला दिन से पहला दिन, से पहला दिन शनिवार से तीन दिन बाद, हम ई वाला लिखिए नहीं रहे थे, ठीक है, शनिवार से तीन दिन बाद है, तो शनिवार से तीन दिन बाद रविवार सोमवार और ये मंगलवार, ये कौन सा आ गया, ये आ गया मंगलवार, तो ये वाला बुध, ये वाला गुरु, ये वाला गुरु और ये वाला शुक्र, आंसर हो जाएगा बाबू शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा दो नंबर बी ऑप्शन। जिसको किसी को कुछ बोलना है बोल लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बोल लीजिए अभी। हाँ जी, आपका शनिवार आ रहा था, बुधवार आया, बोले कैसे कैसे क्या क्या किए, जिसको भी दिक्कत लग रहा है बोल लीजिए अभी। आवेदन तीन बार बनाए हैं, चलिए ठीक है, एक बार और हो जाएगा, लिख लिए, लिख लीजिए पहले, हो गया, किसी को कुछ बोलना है बिठा दीजिए। देखिए क्या लिखा, गत कल ई बाबू आज, आज तो ई फर्क, गत कल यानी कि बीता हुआ कल, से अगले दिन, अगला दिन से पहला दिन, पहला दिन शनिवार से तीन दिन बाद आता है, तो रविवार सोमवार मंगलवार, बाबू हो गया मंगलवार, बुध, बृहस्पति, ई कौन शुक्रवार, बोलिए डाउट कहां पर, ठीक है। चलिए क्या है 26,
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है, लिखा है बाबू इधर इधर इधर, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपने दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर अपने दाईं ओर, फिर दाईं ओर घूमता है और अंत में अपने बाईं ओर घूमता, अंत में बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बाबू तीन नंबर, दो नंबर मिटा दें। क्या लिखा है? स्माइलिंग का कोड क्या होगा? स्माइलिंग है यहां लिखा, और कहीं भी स्माइलिंग है जी? कहीं नहीं है। अरे ये तो क्वेश्चन है जी, हाँ स्माइलिंग तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, यानी कि स्माइलिंग का कोड इसी चारों में से होगा। पी आई आर एस ओ आर आर ई एन आई के चारों है अवेलेबल। अब जब स्माइलिंग किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है, स्माइलिंग किसी भी दूसरे जगह पर नहीं, तो उसका कोड भी दूसरे जगह पर नहीं होगा, तो एन आई की नहीं होगा, आर ई भी नहीं होगा, एस ओ आर भी नहीं होगा, तो बचा कौन? पी आई, वही हमारा आंसर। ऑप्शन बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन, डाउट वाले बोल लीजिए। आपका दोस्त आया जी, आपका दोस्त आया, अच्छा ठीक, समझ में आ रहा है जी? आप बोलिए क्या बात पूरा। देखिए क्या लिखा है, स्माइलिंग का कोड क्या होगा, है ना? स्माइलिंग है कहाँ लिखा हुआ? यहीं पर ना है, या तो यहाँ पर ना है, और तो कहीं नहीं है। तो जब बाबू और कहीं नहीं है, तो उसका कोड भी दूसरे जगह नहीं मिलेगा, खाली यहीं से ना मिलेगा। तो हमने देखा कि एन आई की यहाँ लिखा है, एन आई की तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा। आर ई देखिए यहाँ पर भी, आर ई देखिए यहाँ पर भी है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए एस ओ आर यहाँ भी है, एस ओ आर यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन? पी आई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थ्री सी ऑप्शन। देखिए 2828 में सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर है उसको बेस मानिए, और अगल बगल में जितना भी खाली जगह है उसको भर देना है, ठीक है? तो बाबू यहां पर क्या है, सबसे पहला सी बी सी डी ए, ए बी सी डी, एक दो तीन चार नहीं हुआ जी, हाँ छः छः ग्रुप में जा रहा नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सी बी सी डी ए, थोड़ा देर के बाद इसको देख लेंगे। चलिए नहीं आ रहा समझ में अभी। 29 नंबर क्या लिखा, लाल पृष्ठ के विपरीत, तो लाल के विपरीत किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, तो यहां पर देखिए सफेद काला और पीला, काला और पीला तो है नहीं, लाल के विपरीत चाहिए, लाल यहां है, उसके बाद बाबू हरा यहां पर, और हरा यहां पर कॉमन, कॉमन से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, हरा काला लाल, हरा काला और उसके बाद बाबू लाल,
हरा पीला भूरा, हरा पीला और भूरा, यहां पर है क्या लाल और भूरा एक दूसरे के अपोजिट, तो लाल के विपरीत में भूरा होगा ऑप्शन बाबू, दो नंबर बी ऑप्शन। क्या बोले अच्छा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए छोड़ जाए, कोई बात नहीं, लाल के विपरीत में ना है, लाल यहां पर है ठीक है, भूरा है, हरा है, काला है, चलिए ठीक है, काला के बगल में सफेद और पीला ठीक है, काला के बगल में लाल और हरा, तो ये सब तो नहीं होगा, तो होगा कौन, तो काला के विपरीत हो जाएगा भूरा। ओहो देखिए सफेद पीला काला, सफेद पीला काला, अगर इस दोनों से निकालते हैं तो फिर अलग आंसर आ जाता है नहीं। चल पीला यहां पर, पीला यहां पर, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए दोनों में, पीला पीला के बाद बाबू सफेद, सफेद के बाद काला, पीला पीला के बाद भूरा और भूरा के बाद हरा, तो पीला हटा तो कौन बचा लाल, पीला और लाल अपोजिट ठीक है, काला के बगल में लाल और काला, लाल के बगल में हरा और काला है, यही होगा आंसर, पीला और लाल ही अपोजिट होगा ऑप्शन बाबू तीन नंबर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन तो हो जाता है ठीक है, क्या हुआ पीला भूरा क्यों नहीं होगा, वो हम निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिए उस चीज को। चलिए जैसे कि हमने यहां पर देखा काला, काला के विपरीत में कौन जाएगा पहले ये ढूंढ लेते हैं, तो जो बगल में होगा वो विपरीत में नहीं होगा, जो बगल में होगा वो विपरीत में नहीं होगा, काला के बगल में है सफेद और पीला, तो काला के बगल में है सफेद और पीला, ये दोनों बगल में है, काला के बगल में लाल और हरा, काला के बगल में लाल, लाल और हरा ठीक है, तो इसका मतलब देख लीजिए काला के बगल में ये चारों रंग है, तो बचा कौन भूरा, तो काला के विपरीत में क्या हो जाएगा तब भूरा हो जाएगा ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हो गया, आगे बढ़े। चलिए 3030 में क्या आंसर होगा, 28 होगा ऑप्शन बाबू चार नंबर डी ऑप्शन। चलिए यहां पे 31 में 16 है और 2 है और फिर बराबर में बाबू 2 है, स्क्वायर रूट तोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट तोड़ दीजिए, 4 4 में से 2 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 1 गया तो 8, आ यहां पर 8 में से 4 गया तो 4, वाट के स्थान पर एक नंबर ऑप्शन यानी कि 4 होगा ठीक है। आशा को 79 लिखा गया है, कैसे कैसे 26 और 26 52, अब 52 और 27 79, अपोजिट लेटर के पोजीशन को लिख करके जोड़ दिया गया है, किसको लिख करके जोड़ा गया है, अपोजिट लेटर के पोजीशन को लिख करके जोड़ दिया गया है, वही सिचुएशन विनय भूषण के साथ कीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन ठीक है, 180 हो जाएगा, ये 28 नहीं बना है जी, इसके बाद कौन था, चलिए डिक्शन डी आई सी की सी के आई एन ओ एस ओ एन,
जिस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड है, PIC। तो यहां पर बाबू PI, तो PI का 5 और 6, यहां पर 6 और यहां पर 5, और यहां से सी ले लीजिए तो 7, 657 नहीं है, नहीं है, ठीक है, 657 तो यहीं पर है। तो यानी कि ये N का कोड क्या जा रहा है, N का कोड 0, ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, जिस लेटर के सामने जो नंबर होगा वही उसका कोड होगा। 3434 क्या लिख रहा है, बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, है ना, 1 2 3 और 4 5 और बाबू 6। लिखा है कि यदि ई पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई पंक्ति के अंत में नहीं तो बीच में बैठा दीजिए, डी एफ के बाएं, ये हो गया दायां, ये बायां, ये बायां और ये दाहिना, डी एफ के बाएं, डी जो है वो एफ के बाएं और एक छोर पर, डी एफ के बाईं और एक छोर पर, सी वाई एक दूसरे के अगल बगल में, डी के विकर्णता, तो डी के विकर्णता सी और हो गया, बी और एफ एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, बी और एफ एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, अगर यहां पर बी रहेगा तो यहां एफ रहेगा या यहां पर ये रहेगा, और कौन बचा जी, ए ना बचा, ए, तो यानी कि ई और बी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। मिटा दें, यदि किसी कोड भाषा में RATION AL, यहां देखिए क्या लिखा है, RATION AL, यानी कि वही सारा का सारा लेटर यहां पर भी लिखा गया है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग किया है, है ना। RATION AL, ALONITAR, ठीक है, अब यही तरीका अपनाइएगा, 35 का आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर ऑप्शन, 1 होगा। TIRLBA, क्या लिखा है, रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा यानी कि रानी के दादा, सॉरी रानी के पिता के चाचा, हाँ रानी के दादा अनूप के पिता के पोते हैं, तो रानी के जो दादा हैं, रानी के पिता के चाचा जो हैं वो अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं, इसका मतलब है कि अनूप का पुत्र है, पोते हैं, तथा अनूप अपने पिता के इकलौता पुत्र है, अनूप का रानी से क्या संबंध है, दादा के पिता कौन, परदादा, परदादा हो जाएगा, 4 नंबर, डी ऑप्शन। भारतीय है, नेता है, गायक है, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र दर्शाता जो भारतीय नेता हो, भारतीय नेता हो, भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, गायक नहीं हो, तो कौन बचा, 2 ऑप्शन बाबू, 1 नंबर, ए ऑप्शन। कितने ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल हैं, तो चलिए देखा जाए, सबसे पहले बाबू 1 और 2, ये वाला ऐसे करके 3, ये वाला इधर 4, तो 4 इधर हो गया, इसमें देखिए 1 1 2 3 4 5, तो 5 × 2 = 10, और इसमें हो गया बाबू 10, एक ऐसे करके ये वाला, तो यानी कि 10 4 14 और 1 15, अभी तक में कुल मिलाकर के हमको जो है इसमें 15 ट्रायंगल मिल चुका है,
और अब यहां से बात कर लें, 15 के बाद 1, ये वाला बाबू 2, तो ऐसे करके ये वाला 3, 3 हो गया ये वाला, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, ये वाला देख लीजिए 1 हुआ, ये वाला इधर 2 हुआ, 2। और है जी, अब तो नहीं लग रहा है, तो यानी कितना हो गया, 3, 2, 5, 10, 15, 5, 20, 19 या अधिक, ऑप्शन बाबू 1 नंबर हो गया, मिटा दें। 38 + 15 = 66 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या हुआ इसमें, 3 और 8 को जोड़ दीजिए 11, 1 और 5 को जोड़ दीजिए बाबू 6, 11 × 6 कर दीजिए 66 हो गया, 9, 2, 11, 6, 3, 9, 11 × 9 = 99, यहां पर 8, 2, 10, 4, 4, 8, 10 × 8, 80, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, 60% सरकारी कर्मचारी कहां चले गए, हड़ताल पर चले गए, तो अब है तो श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, तो श्री गोपाल सरकारी कर्मचारी है वो किधर हो सकता है, 60% के तरफ भी हो सकता है, 40% के तरफ भी हो सकता है, अब वो हड़ताल पर गया है कि नहीं गया नहीं पता, तो नंबर 1 श्री गोपाल हड़ताल पर गया, हड़ताल में भाग नहीं लिया, दोनों ही स्थिति में ये क्या है, गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू आइदर, या तो पहला या तो दूसरा, या तो वो भाग लेगा या तो वह भाग नहीं लेगा, कोई दिक्कत भी। कुछ पक्षी बादल है, घोड़ा एक पक्षी होता है, घोड़ा यहां पर भी हो सकता है और घोड़ा बाबू यहां पर भी हो सकता है, दोनों तरफ, तो कुछ बादल पक्षी है, बादल जो है बाबू वह पक्षी है, सही कि गलत, सही है, घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा जो है वह बादल नहीं है, इधर से गलत और इधर से सही, तो यानी कि क्या गलत, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ऑप्शन 1 नंबर। फोर टू 42 क्या लिख रहा है इसमें, शाक भक्षी बाघ और पशु, शाक भक्षी मतलब फल फूल पेड़ पौधा घास पतार खाने वाला, ठीक है, बाघ और पशु, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये हो जाएगा बाबू पशु, पशु के अंतर्गत शाक भक्षी अलग और बाघ बाबू अलग, ठीक है, आंसर होगा 1 नंबर, कोई दिक्कत। क्या मतलब पशु जानवर एक के होता है, क्या कहना नहीं कहना चाहते हैं, हाँ हाँ, मनुष्य भी तो जानवर है, क्या मनुष्य जानवर नहीं है, मनुष्य पशु नहीं है, आराम से आइए, लाभांश लाभ और बोनस, लाभांश कब और बोनस कब, लाभ कब, जब बाबू लाभ होता मिलता है ना, जब लाभ होता है कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है तभी वो लाभांश भी देता है और तभी वो बोनस भी देता है, ये बाबू अलग अलग, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आइए इसको जोड़िए, प्राप्त नहीं है, अब यहां से इसको घुमाइए, ये बाबू इसी के समान है और ये वाला जो ये भी इसी के समान है, ये वाला भी इसी के समान है, लेकिन ये वाला देखिए ऐसे घूमता है, उल्टा घूम जाता है, इसीलिए आंसर होगा 3 नंबर सी ऑप्शन। कौन सा उत्तर आकृति इसमें फिट बैठेगा ये आपको बताना है, तो 45 का आंसर हो जाता है बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, हो सकता है नहीं मैच कर रहा हो, ठीक है, अरे क्या बात, कोई बात नहीं है,
फिगर मैच नहीं करना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है, नहीं मैच किया होगा। हाँ अब मिलाइए, ऐसा किस में है, ई लाइन एक्स्ट्रा है, नहीं बी में ई कहाँ से है, ई कौन, ई तो और गड़बड़, इसमें से लाइन हटा दीजिए, आंसर लगा दीजिए इसे कर। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, ये आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर इसका 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। देखिए सबसे पहला ये जो सर्कल नुमा है, ये जो सर्कल नुमा है ये चांद बनाया, इसके बाद बाबू ये इधर कटिंग किया, यहां पर जो बनाया है ये तो अजीब ही अजीब ढंग से ना बनाया हुआ है। कटेगा भी तो इसी हिसाब से ना। ऐसा तो ऑप्शन है ये है 4 नंबर, और तो कोई है ये नहीं है, 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है, जो हर जगह पर डिजाइन बना रहा है, यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है, हर जगह यही तो डिजाइन बना रहा है, कहां कोई और तो कहां कोई बना रहा है, यही तो है ये है ऑप्शन बाबू, 4 नंबर डी ऑप्शन 48 का। अब चलिए MN रेखा पर इसको रखिए और बनाइए क्या डिजाइन बनेगा, आंसर बाबू 3 नंबर। चलिए आगे बढ़िए। उनचास का किसमें छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ है 1 नंबर में, ठीक है, गलत नहीं है, रोटेट है बस, और क्या, 50 नंबर, 50 नंबर बोला गया। रोस्ट का कोड क्या होगा, ROST, देख लेते हैं, ROST है ना 6868, ये बाबू 6868 तो नहीं आया, 75 7 और 5 R, उसके बाद O, वो गया यहाँ पर 00, वो गलत, कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कुछ मिसटाइपिंग हुआ होगा क्या, 1 नंबर 56 5 और सब मिलाइए लेते हो 97 कायल बचे, 9 और 7 से P बन रहा है, इसमें कुछ एरर होगा इसका मतलब, ठीक है। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।